बहुत ही अच्छा, ये एक्चुअली ये गाना तो है ही है लेकिन सूफी सूफी सॉन्ग है मेरा, जैसे कि दमा दम मस्कर आपने सुना था जो कि ऑलरेडी बहुत सुपरहिट सॉन्ग भी था और बहुत ही इबादत वाला सूफी सॉन्ग था जिसमें लोग झूमते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। आई गेस वो ऐसा एक सॉन्ग है जो हर महफिल में आप सुन सकते हैं। लेकिन जब मैंने और योजो ने वो गाना निकाला तो देन लोग क्लब्स में भी उस गाने को सुनने लगे एंड इन्जॉय करने लगे, स्पेशली जो जंक्शन है। तो वैसे जो ये मेरा नया गाना है वो अली अली, ये मेरा सेकंड सूफी सॉन्ग है। और जब मैं अभी दुबई में गया था लास्ट ईयर तो कम से कम 70,000 वहाँ पे क्राउड था ग्लोबल विलेज में, और मेरा फिर अभी 15 तारीख को भी ग्लोबल विलेज में शो है। तो जब इतना क्राउड मैंने देखा था, ऑन द स्पॉट मैंने ये गाना वहीं कंपोज करा अली अली, और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस था। देन उसके बाद मैंने वापस मैं इंडिया में आया हूँ और फिर मैंने इस गाने को पूरा कंप्लीट करा। एक साल लग गया इस गाने को, बिकॉज मैं चाहता था ज़्यादातर जितने भी गाने आ रहे हैं सूफी सॉन्ग्स वो सारे अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं होता कि वो लव सॉन्ग है, रोमांटिक है कि सूफी है। तो जब भी जितने गाने यहाँ पे कंपोज होते हैं ज़्यादातर वो रोमांटिक बन जाते हैं, जैसे शुक्राना अल्लाह बड़ा अच्छा गाना था, या जितने भी गाने आते हैं जिसके अंदर अल्लाह का नाम आता है तो ज़्यादातर वो थोड़ा सा रोमांस या रोमांटिक वे में चल जाता है। तो मैंने ये जो गाना बनाया अली अली, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर सूफी सॉन्ग है जिसके अंदर आपको कोई भी ऐसा नहीं, नो गर्ल्स, नो कार्स, नो स्टाइल, या एक रोमांटिक वे में नहीं बनाया, पूरा इबादत की तरह इसका वीडियो बनाया। एंड आप जितने भी मेरे फैंस देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, अभी गाना लॉन्च भी हो गया आज ही, अभी 4 बजे हमने गाना रिलीज़ करा है। सो गाने का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है ऑलरेडी, और उसका जो वीडियो है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक्स टू वेंकी बाला भाई जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इनक्रेज करा कि यह गाना को आप और बड़े लेवल पे प्रमोट करो, शूट करो, और ये बहुत अच्छा सॉन्ग है और लोगों को अच्छा लगेगा।